मोबाइल का चार्जर पर बना हुआ इन सिंबल का क्या मतलब है? डस्टबिन सिंबल का मतलब, आप इस चार्जर को बाहर ना फेंको, इस चार्जर को आप रिसाइकल के लिए सर्विस सेंटर भेजो। डबल स्क्वायर सिंबल का मतलब, इस चार्जर में लगा हुआ वायर इंसुलेटेड, इसका मतलब इस वायर से आपको करंट नहीं लगेगा, ये सेफ्टी सिंबल है। वी सिंबल, ये रोमन में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चार्जर 5 मानकों को पूरा करता है। लेकिन कुछ मोबाइल में लेवल 4 सिंबल बना होता है। होम सिंबल का मतलब, आप इस चार्जर को अपना घर पर इस्तेमाल कर सकता हो। 220 वोल्ट करंट इस चार्जर के लिए ठीक है, इससे अधिक वोल्टेज पर चार्जर खराब हो सकता है। फोन का कवर पीला क्यों हो जाता है? दोस्तों, जब कवर पीला हो जाता है तो लोग सोचता है मोबाइल कवर मैला हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और लचीला भी होता है। यह पॉलीमर एनवायरनमेंट में रहने वाला लाइट और हीट का मदद से मोबाइल कवर पीला हो जाता है। नाभि में रुई कहाँ से आता है? दोस्तों, बहुत लोगों का नाभि में अपने आप ही रुई जैसा चीज़ बन जाता है। इसका चार कारण होता है। नाभि का आकार, हमारा स्किन का डेड सेल्स, हमारा पेट पर उगने वाला बाल और हमारे कपड़े का फाइबर। जब कपड़े का फाइबर हमारा नाभि से रगड़ता है तो हमारी नाभि का आकार के वजह से कपड़े का फाइबर को अपने अंदर समेट लेता है। हमारा स्किन का डेड सेल जब बाल के साथ मिलता है तो अब वो नाभि के अंदर बैक्टीरिया को बनाता है, जिसका वजह से हमारा नाभि में रुई जैसा चीज़ बन जाता है। जो लोग अपना आप को साफ रखता है उनका नाभि में रुई जैसा चीज़ नहीं बनता है। रात में कुत्ता क्यों भौंकता है? हिंदू शास्त्र के अनुसार कुत्ता वो सब कुछ देख और सुन सकता है जो इंसान अपना आँखों से नहीं देख पाता है। ऐसे में बताया जाता है कुत्ता उन लोगों को भी देख सकता है जो आज जिंदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता आत्माओं को देख सकता है। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलता चलता उनके आर पार निकल जाता है तो बुरी तरह से डर जाता है और वो कुत्ता रोना शुरू कर देता है। बहुत बार भूत प्रेत एक दूसरे से बात करता भी सुनाई देता है। ऐसा स्थिति में कुत्ता भौंकने और रोने लगता है। बहुत ज़्यादा अकेलेपन महसूस करने पर भी ये रोने लगता है। अगर दिन में किसी अन्य कुत्ता को मरा हुआ देखता है तो रात को रोने लगता है। पूरे दिन भर इन्होंने कुछ नहीं खाया हो तब भी ये कुत्ता रोता है, यानी इसे कुछ खाना मिल जाए। आप सभी से निवेदन है, अगर रात को ये भौंके तो इन्हें कुछ ना कुछ खिला दीजिए ताकि ये शांति से बैठ सके। उसका बाद भी अगर रोए तो बिना डराए कुत्ता को गली से निकाल दो। ये भी जीव है, प्राकृतिक स्वभाव से ये भौंकता है, लेकिन हम मनुष्यों को इनकी सहायता करनी चाहिए।